एग्जाम्पल नंबर 72 थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है भाई, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कहाँ पर किए हैं? फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले के अंदर, एफ इज इक्वल टू 1/f = μ-1, 1/r1 - 1/r2, वहाँ ये सब खोल चुके हो और सॉल्व भी कर चुके हो, इनकी सबकी आपने बैंड बजा रखी है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पावर की फॉर्मेट में दे रखा, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, कुछ टफ नहीं है हमारे लिए। लिखेंगे सोल्यूशन जैसे दे रखे बिल्कुल वैसे करते चले जाओ, लिख दो गिवेन दैट, क्योंकि भाई दो बार कर रहे हैं तो दो बार ही करेंगे। हमसे कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखी है। किसकी दे रखी है 1.5, जरा ध्यान दो, 1.5 किसकी दे रखी है? लेंस की। लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। आगे देखो, इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द ईच ऑफ द टू सर्फेसिस इज 20 सेंटीमीटर, तो इसको देख लो जरा आप, R1 आपको पता है प्लस का होता है, प्लस का 20 सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 100 से डिवाइड करोगे, जैसे 100 से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 0.2 मीटर में, और R2 की वैल्यू आ जाएगी -0.2 मीटर में। तो आपके पास R1 भी है और आपके पास R2 भी है, दोनों चीज़ें क्लियर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर्स ऑफ द लेंस, तो हमसे कह रहा है रेशियो बताओ पावर्स का लेंस की। अब लेंस की पावर जो है ये वेरिएट करेगी, किस तरह से वेरिएशन आएगा इसके अंदर। लेट अस सपोज कि एयर के अंदर रखा हुआ है लेंस तो पावर कुछ और, अब इस लेंस को लिक्विड के अंदर रख दिया जाए तो पावर फिर कुछ और आएगी, तो उन पावर्स का रेशियो पूछ रहा है। हमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर्स ऑफ द लेंस व्हेन प्लेस्ड इन एयर टू इट्स पावर व्हेन इमर्स इन अ लिक्विड। ओहो हो, इट मींस आपसे कह रहा है कि पावर जो एयर में आई है वो, और साथ में पावर जो लिक्विड के अंदर आई है, इनका रेशियो बता दे। बता देंगे। हमसे ये भी कह रहा है व्हेन इमर्स इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो यहां पर अब आपको एक बात बता दें, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और आपको पता है जब आप लेंस को एयर से लिक्विड में लेकर के जा रहे हो तो आपको पता है कि लिक्विड के अंदर उस लेंस के चारों तरफ एक दूसरा मीडियम है, एयर नहीं है, लिक्विड है, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो कहीं ना कहीं फोकल लेंथ उसकी बढ़ेगी जिसकी वजह से पावर घटेगी। तो एक काम कर लेते हैं, एक काम ये कर लेते हैं कि हम जो है अलग अलग नहीं बोल रहे कि म्यू वन जो है वो एयर है, म्यू टू जो है वो ग्लास के लिए है, लेंस के लिए है, और म्यू थ्री जो है वो लिक्विड के लिए है, ऐसे नहीं बोलते हम, डायरेक्ट बोलते हैं क्या क्या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का गिवन है, कितना है 1.5, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का गिवन है, दैट इज 1.25, क्लियर है भाई। फर्स्ट केस व्हेन लेंस इज इन एयर, जब लेंस कहाँ है? हवा के अंदर है। कहाँ पर है लेंस? एयर के अंदर है। तब आपको बताया पावर इज इक्वल टू हो जाएगा फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू म्यू। अब एयर के अंदर तो पावर एयर वाली आएगी, अब यहां पर जो आएगा वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा एयर के रिस्पेक्ट में, तो वो तो यही आया था एयर के अंदर, तो यही होता म्यू जी माइनस वन, और यहां आ जाएगा 1/r1 - 1/r2, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो गया, सेकेंड केस हाथों हाथ लिख देते हैं दोनों केसेस को। सेकेंड केस व्हेन लेंस इज इन लिक्विड, जब लेंस लिक्विड के अंदर है तब उसकी जो पावर होगी वो लिक्विड के अंदर पावर होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसको क्या करोगे आप? अब देखो यहां पर जो म्यू जी है, तो ये जो म्यू जी आप लिखते हो, ये लिखते हो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब यहां आपको फिर से गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। जब लिक्विड के अंदर आपने इस लेंस को रख दिया, लेंस जो ये गिलास का है, अब भी आपको लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, लेकिन अब लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो ये तो होता ना, तो यहाँ पर आ जाएगा लिक्विड के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, और ये ऐसे चलता रहेगा 1/r1 - 1/r2। चाहो तो आप इसका भी कह सकते हो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नो डाउट आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो।
अब आपको क्या चाहिए, पी ए और पी एल का रेशो चाहिए, तो आप डिवाइड कर दो। आप कहो कि इक्वेशन वन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन टू से, इक्वेशन वन को डिवाइड करो तो इट मीन्स पी ए ऊपर आ जाएगा, पी एल नीचे आ जाएगा। अब पी ए वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा ऊपर आएगा, ए म्यू जी माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा एल म्यू जी माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब मुझे एक बात बताओ, लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये थोड़ी ना बदल जाएंगी, ये तो सेम रहेंगी। ये सेम रहने की वजह से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। आपके पास पी ए और पी एल का रेशो बचेगा, तो पी ए यहाँ को लिखोगे और पी एल यहाँ को लिखोगे। ए म्यू जी, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपको गिवेन है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस वन। नीचे लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड के, तो लिक्विड का तो 1.25 है और माइनस वन, ये ऐसे चलता रहे। बस इसको सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। तो सॉल्व करते हैं और आंसर पाते हैं, देखो कैसे। पी ए ऐसे ही और पी एल ऐसे ही, 1.5 में से जब 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.5। और नीचे सॉल्व करो, एलसीएम ले लो 1.25 की, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.25 सबके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1.25 अपॉन 1.25। क्लियर है, ये मेन अपॉन है। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रैक्टिव लगेगा। पी ए अपॉन पी एल ये आपको निकालना है, 0.5 ये ऐसा ही चलता रहेगा। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स 1.25 ऊपर चला जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 1.5 में से 1.25 माइनस करोगे तो सिर्फ 0.25 बचेगा, 0.25 बचेगा। पॉइंट के बाद दो डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। 25 पंजे होता है 125, 25 छक्का होता है 150, तो 25 पंजे 125, जब 5 की मल्टीप्लाई 0.5 से करूंगा तो 5 पंजे 25, इट मीन्स पी ए अपॉन पी एल ये आ जाएगा 2.5। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 कर देंगे, 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, मतलब पी ए और पी एल का जो वैल्यू आया वो आया 5:2। आप ऐसे भी कह सकते हो पी ए रेशो पी एल ये आएगा 5:2। आई होप सो कि आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, फॉर्मूला बनाया और लास्ट में वैल्यू पुट कर दी और आंसर पा लिया। देखो अगर कहीं डाउट है तो कुछ नहीं है, आपने एक बार लेंस को एयर के अंदर रखा, लगा दिया आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर आपने लेंस को लिक्विड के अंदर लगा दिया आपने, इन दोनों का रेशो ले लिया, सॉल्व कर लिया, सबकी वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकाल दिया, तो रेशो आया 5:2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट तो भाई आपके पास बहुत सारे साधन है मुझसे पूछने के। थैंक यू सो मच।